सभी का स्वागत है सीएल के अकेडमी में। आइए हम आज 35वें दिन का सुपर फास्ट विजन करेंगे, परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्नों की सीरीज। आज 35वां दिन है, लगातार 5 मिनट भी इस क्वेश्चन पर। चलिए पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? भारत का पहला जो किसान आंदोलन है ये है बिजोलिया आंदोलन, याद रखेंगे भारत का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका जो है मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो मुख्य कार्यक्रम था वह था सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले ने चलाया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह को ही बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा विद्रोह, मुंडा विरोध को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। अगला, मुंगेर के बरहियाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बरहिया ताल है ना, ध्यान रखेंगे बरहिया ताल विद्रोह का जो मुंगेर में होता उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी। महाराष्ट्र में रामोशी कृष्ण जत्था किसने स्थापित किया था? रामोशी कृष्ण जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, वासुदेव बलवंत फड़के। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था बी पटना, क्या था? पटना इसका मुख्य केंद्र था, बी इज द राइट आंसर, पटना हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था है ना, तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820 में। छोटा नागपुर का अपनी स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधियों का नेता निम्न में से कौन था? तो इनमें से कौन था? तो इसका नाम था बी सुरेंद्र साई, सुरेंद्र साई संबलपुर उड़ीसा में। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ? तो यहां पर विप्लव हुआ नील विद्रोह, इसका विप्लव हुआ नील विद्रोह, नील विद्रोह 1859 में हुआ था, 1859 में। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? एक किसान आंदोलन है अवध में चलाया गया था, अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का स्वरूप जो था 1919 में कहां चला था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ये इसका सही जवाब होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन सा है? तो भारतीय एमएम रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो इसका विद्रोह किया था खोंद जनजातियों ने विद्रोह किया था, बी बिल्कुल सही जवाब है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी का नाम, तो ये किया था ठक्कर बप्पा ने, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। किसने 1837 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सी इज द राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, लेकिन इसमें से वो नहीं दिया है, तो इसमें जाए कस्तूरबा गांधी महिला थी, इन्होंने दिया था। महात्मा गांधी ने भी इनको सरदार की उपाधि दी, तो बारदोली की महिलाओं ने जब 1928 में बारदोली सत्याग्रह चला था उस समय दिया गया था। इसको देखिए, इसको मिलाना है, क्या इसका उत्तर होगा है ना, मुपला विद्रोह केरल में, एका आंदोलन अवध में, बिरसा मुंडा विद्रोह, पावना विद्रोह, तो इस तरीके से हो जाएगा 1342, ये इसका सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन, सी इसका सही जवाब होगा। नील किस्को की दुर्शा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है ना, नील
जो बंगाल में इंडियन आंदोलन 1859 में हुआ था। तो यह दीन बंधु मित्रा इसका भी उत्तर होगा। तो चलिए आज के लिए ये सुपर फास्ट डिवीजन आप प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।